भी गाड़ी है, आज तो रेलगाड़ी है जी, जो सीधा इस कॉर्नर से ऊपर लास्ट दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाएगी हमें। देखते हैं आज कहां पहुंचते हम, काफ़ी ज़्यादा है आज। और बैक साइड देखिए, जो लास्ट जो मैंने वीडियोस शूट किए थे वो वहां पर है, उस साइड है वो जो सामने आपको ब्राउन कलर के जो हिल्स नज़र आ रहे हैं उस साइड के हैं। तो आज हम जा रहे हैं ऑपोजिट साइड जहाँ स्नो माउंटेंस थे, तो जो स्नो है काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है। तो चलते हैं आज इस वाले हिल पे, तो कैसा घास है देखते हैं वहाँ पर और कैसा दिन रहता है हमारा इनके साथ। काफ़ी ज़्यादा है आज, बहुत ही ज़्यादा भेड़ बकरियाँ मेरे पास। तो लेट्स सी आगे भाई, जो ब्रीथिंग तो अभी से प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग जो है क्योंकि अभी जो है ग्रीनरी अभी यहाँ पर आई नहीं है। देखिए अब कुछ दिन में आ जाएगी, 15-20 दिन में इसमें आई थिंक। सो देखते हैं आज का कैसा रहता है सफर। ये पूरे जो भेड़ बकरियाँ पहुँच चुकी हैं यहाँ पर, आज बहुत ही ज़्यादा भेड़ बकरी है और अकेला हूँ आज तक। ज़्यादातर जो है दो आदमी जो है इतने भेड़ बकरियों को चुगाते हैं जंगलों पर, बट आज काफ़ी ज़्यादा बकरियाँ हैं, आज मैं अकेला हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है सफ़र आज का जंगल में। तो ये देखिए लाइन लगी है पूरी नाले तक, समथिंग अराउंड ये है जी 400 के आसपास भेड़ बकरियाँ हैं मेरे पास आज। देखते हैं कितनी लंबी लाइन बनती है। और ये है जी माने जो स्टोन्स के ऊपर लिखे जाते हैं जो मंत्रास है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा और आज मैं क्लिम करूँगा जो ऊपर माउंटेन्स है इसके ऊपर मैं क्लिम करूँगा। देखते हैं कितने दूर तक जा पाते हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट आवर। भाई रेलगाड़ी की लाइन देखो कितनी लंबी है जी। चलो 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 चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए सामने देखिए जी जो माउंटेन है, आज हम उसका व्यू कहीं और से दूसरे एंगल से दिखाएंगे आप लोगों को। वो तो आगे देख सकते हैं जो रास्ता है थोड़ा कंजेस्टेड जैसा है, क्योंकि रास्ते के दोनों साइड लोगों के जो फील्ड्स हैं, यहाँ देखिए सेब के पौधे हैं, तो इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड रास्ता है। और जो ऊपर हिल है इसके आई थिंक इसका जो हाइट है समथिंग अराउंड 14-15,000 फीट है सी लेवल से, तो आज हम इसको क्लिम करेंगे। तो काफ़ी हाइट पर है और जो सामने देख रहे हो आप वो समथिंग अराउंड 21,000 की फीट पर है वो सी लेवल से, और ये है 16,000 के फीट हाइट पर। तो हम आज इसके टॉप पर जाएंगे और उसके बैक साइड जाएंगे इसको क्रॉस करके, फिर वापस शाम के टाइम आफ्टर लंच हम वापस होंगे इधर को रिटर्न धीरे धीरे। और देखिए बहुत ही ओल्ड हाउस है, देखिए ये बहुत ही यार जो यहाँ ठंडे इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा घर है ये मड और स्टोन का। ओनली ये ठंडे इलाके लिए नहीं, जो गर्म इलाके भी हैं जो नीचे के जहाँ पर टेम्परेचर 50+ रहता है 40+ रहता है, तो वहाँ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये मड हाउस, क्योंकि समर में ये बिल्कुल कूल रहता है एकदम ठंडा और विंटर में एकदम गर्म रहता है इसमें। और जो इसकी लाइफ की बात करें तो ये काफ़ी लंबा देखो है। बहुत लंबी जो है रेलगाड़ी है, देखिए कुछ पीछे रह गई है इसके पीछे बैक साइड और कुछ यहाँ आ रही है। बहुत ज़्यादा है मेरे पास, देखिए भीड़ बकरी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए कुछ लड़ती हुई जा रही है और कुछ यहाँ ऊपर है। देखते हैं आज का दिन, और ये रहा सामने मेरा जो टारगेट है वो ऊपर, दिस माउंटेन जो कि आपको 16,000 के फीट के आसपास है, ये इसको हम क्लिम करेंगे और दिखाएंगे टॉप पर जो टॉप से जो माउंटेन का जो व्यू नज़र आता वो कैसा व्यू नज़र आएगा वहाँ से। तो धीरे धीरे चल रही है मेरी रेलगाड़ी, ये देखिए
और आगे जो है एक ग्लेशियर पॉइंट है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे। विंटर में आई थिंक ये एवलांच आया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो अभी ये मेल्ट हुआ नहीं, अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें मड और स्टोन मिक्स होते, तो जिससे डायरेक्ट जो है धूप पड़ती नहीं और इसको पिघलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भेड़ बकरियों से मैं आगे निकल जाऊंगा क्योंकि जो बकरियां हैं वो काफ़ी तेज़ चलती है, तो मुझे आगे जाकर उनको बहुत रोक रोक कर उनको उनके स्पीड को कम करके जाना पड़ेगा। और जो भेड़े होती है वो काफ़ी लेजी टाइप की होती है। वो देखिए, और ये रेलगाड़ी की इंजन क्रॉस कर रही है हमारे सामने बिल्कुल। मैं हूँ एक पॉइंट पे जो एवलांच है उसके ऊपर चल रहा हूँ। ये देखिए जो ये है वो जो टॉप से आया हुआ ये है, और ये अगर इसका गहराई नापे जाए, अगर यहाँ से इसका स्नो का, तो ये कम से कम 5-10 मीटर गहरा होगा। जो ये बहुत ज़्यादा है भाई, पूरा जितना खाई था उस सबको कवर कर दिया है इसने। जो एवलांच है देखिए, मैं दिखाता हूँ कितना लंबा है ये। मेरे बैक साइड से ये गया बिल्कुल नाले होते हुए, नीचे रोड है, नीचे जो बड़ा वाला रिवर है उसके पास तक गया है ये। तो फिलहाल मैं जो भेड़ बकरियाँ हैं यहाँ से क्लिम कर रही है, मैं अनदर साइड से ऊपर चढ़कर मुझे इनसे पहले पहुँचना होगा, नहीं तो ये बहुत तेज़ भागेगी। तो ये देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ टॉप पर है बिल्कुल, जहाँ वो बादल नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी हिल है, ये माउंटेन ना बहुत बहुत दूर से आया हुआ है एवलांच। देखिए, और ये मिट्टी के पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, जैसे पेंटिंग की हुई है। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर से एकदम 80 डिग्री का एंगल में जो इसका स्लोप है वैसा है ये, और सीधा यहाँ से बिल्कुल नीचे नाले तक जा चुका है ये। और ये रेलगाड़ी चलती है आराम से, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि ब्रेथिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। और सामने रहा देखिए बहुत ही खूबसूरत दूसरा माउंटेन, इसको भी हम कभी एक्सप्लोर करेंगे। और जो वहाँ सामने जो बर्फ़ वाला है, वहाँ से जो ट्रैकिंग होती है स्पीति वैली के लिए। और फिलहाल तो मैं एनेदर वाले रूट पे हूँ जहाँ से आपका हमारे यहाँ से पू के लिए ट्रैक होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर ऑप्शन, बहुत ज़्यादा है ट्रैकिंग के ऑप्शन चारों साइड से है। जो विलेज है वो ऑल अराउंड जो है ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और हम आपको इसको टॉप से एक्सप्लोर करेंगे कैसा दिखता है गांव का व्यू। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9:30, और मेरे बैक साइड देखिए जो है व्यू नज़र आएगा गांव का, ये है विलेज का व्यू। जो ऊपर नज़र आ रहा है वो है अपर हांगो, और जो नीचे है वो है लोअर हांगो। और इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं थोड़े से अपसाइड ऑफ हिल, और जो भेड़ बकरियां है वो चढ़ रही है वहां पर। देखिए वो धीरे धीरे चल रहे हैं और बर्फ़ के पास पहुंच चुकी है अभी। और जो ऊपर टॉप पर है वो वहां से व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, देखते हैं वहाँ कैसा नज़ारा है। ये देखिए वाव, वो रहा गांव जी, देखिए सामने नीचे वो अपर हांगो है जी, और ये रहा लोअर हांगो, और वो सामने जो आपको नजर आ रहा है वो है मेन रोड। तो धूप भी निकल चुकी है, तो धीरे धीरे चलेंगे हम, और साथ में जो है मैं आपको वहाँ से एक्सप्लोर करता रहूँगा कैसा कैसा
है और व्यू कैसा नज़र आता है यहाँ से, जब आप 16,000 के हाइट पर क्लाइम करते हो तो कैसा उसके बाद जो है फीलिंग्स और जो आपके चारों तरफ का जो है व्यू है वो कैसा नज़र आता है। सो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। ये रहा जी विलेज का व्यू यहाँ से टॉप से, एकदम फ्लैट लैंडस्केप है यहाँ पर डाउन पे नीचे विलेज का, और वहाँ टॉप पर रहा जी मॉनेस्ट्री और ऊपर रहा जो फर्स्ट विलेज है और वहाँ से नीचे जो है दूसरा विलेज हमारा, और वहाँ सामने देखिए जो ये है वो है मेन रोड जो हाईवे के साथ हमारे को लिंक करता है, और ये रहा जी स्पीति ट्रैक का रूट, और ये रोपा वैली जो बैक साइड है, इसके बैक साइड रोपा वैली है और इधर को सुन्नम है, और इस साइड जो है वो है जी पू के लिए ट्रैक। यहाँ से 2 दिन का है, मैक्सिमम 2 दिन का है, जो स्पीति वाला है वो 4 से 5 दिन का ट्रैक है यहाँ से। और वहाँ टॉप पर देखिए जी अभी भी जो बर्फ़ है नज़र आ रहे हैं वहाँ पर चारों ओर। सो अभी मैं काफ़ी हाइट पर पहुँच चुका हूँ, तो आगे अभी और भी काफ़ी हाइट पे और चढ़ना है मुझे। सो हे पीपल्स, मैं काफ़ी हाइट पर पहुँच चुका हूँ और मेरे जो शिप्स है वो मेरे से काफ़ी ऊपर है, दूर है। एक्चुअली मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गया था, अभी देखिए एक स्नो के ऊपर से चल रहा हूँ मैं, काफ़ी ये फ्रीज है तो स्लिप हो रहा है मेरा पाँव। तो देखिए नीचे सामने जो गांव नज़र आ रहा है विलेज, मैं वहाँ से सुबह चला था, मॉर्निंग में भी मैं चला था 8:30, तो अभी मुझे 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर घर से निकले हुए, तो फ़िलहाल तो सफ़र काफ़ी लंबा है मेरा। अभी जो माउंटेन है जो हिल है उसके हाफ में पहुँचे अभी हम, मुझे और भी वो देखिए टॉप पर ऊपर, उस टॉप को भी क्रॉस करके जाना है। तो धीरे धीरे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ पर। और इस टाइम जो बकरियाँ हैं काफ़ी मस्त होके चल रही है, काफ़ी स्लोली खाते 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 जा रही है, तो जब खाने के ये कुछ घास वगैरह हो तो बकरियाँ इतनी ज़्यादा भागती नहीं है। बट क्या है कि यहाँ पर एक दो ऐसे जो भेड़े हैं जो काफ़ी वीक हैं और ओल्ड एज हैं, तो मैं इन दोनों को, ये देखिए वहाँ आपको दिख रहा होगा वहाँ वो दोनों जा रही है, मैं इन दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्नो लेपर्ड का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वो स्नो लेपर्ड जो होता है वो काफ़ी छुप कर जो हंटिंग करने के लिए फेमस रहता है, बहुत ही छुप कर। वो आपके नज़दीक भी हो तो वो अपने आप को ऐसे छुपा लेता है जो उसके कलर की वजह से, जो जैसे ये माउंटेन्स और सॉइल के कलर है सेम उस कलर का रहता है वो, सिल्वर टाइप का थोड़ा मिक्सअप सॉइल और वैसा, तो उसको एकदम से आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। तो हमारे को साथ साथ में जो भेड़े हैं उनको साथ में लेकर चलना पड़ता है जो वीक हो, ताकि अगर ग्रुप बड़ा हो तब तो थोड़ा बहुत स्नो लेपर्ड को ही देखकर जो है हंट करता है, बट क्या है कि ज़्यादातर रिस्क उनका रहता है जो वीक हो, कमज़ोर हो, जो भाग ना पाती हो, तो ऐसे में उनको साथ रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इनके साथ साथ चला हूँ ताकि ये धीरे धीरे खाते खाते चल पड़े। सो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तब दोनों देखिए काफ़ी थक चुकी है यार, बहुत ही ओल्ड एज की है दोनों भेड़े जो है। वहाँ से चले थे हम देखिए नीचे डाउन, वहाँ नीचे डाउन से, और फिलहाल हम इस टाइम हम होंगे 9,000 समथिंग अराउंड, नो 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 नो
11,000 के आसपास, इतना हाइट उस लेवल पर हम चले हैं अभी। तो जब हम ऊपर टॉप पर पहुंचाएंगे तब हम समथिंग अराउंड 16,000 के आसपास पहुंच जाएंगे, हम टच कर लेंगे उस लेवल को। और ये देखिए जो ये है हर्बल प्लांट है, अगर किसी को जॉइंट्स में पेन हो और वेट को लॉस करना हो तो इसका जो है बॉइल वाटर काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए, पर ज़्यादा यूज़ करना इसको ठीक नहीं है क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखिए ये भी हर्बल में आता है, ये आपका बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरी भेड़े हैं वहाँ देखिए, मुझे एक साइड का, उस साइड का टेंशन नहीं है, भेड़े इधर को ही आएगी क्योंकि उस साइड जो है स्नो है तो वो उस साइड नहीं जा पाएगी। तो मैं इस साइड से क्लिम करूँगा धीरे धीरे स्लोप में ऐसे को, और भेड़े है जो वहाँ से ऐसे को आएगी। तो चलते हैं